हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में बताऊंगी, जी हाँ, सातवां पूजा कौन सी देवी की जाती है, नवरात्र में सातवें दिन किस देवी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं, नवरात्र के सातवें दिन करें माँ कालरात्रि की पूजा, जाने मंत्र भोग और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं, नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय, भूत, पिशाच सहित अन्य बुरी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ काली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि माँ का काले स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपवासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इन्हें सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है, इसीलिए सभी तंत्र मंत्र के उपवासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि का स्वरूप, माँ कालरात्रि के तीन नेत्र हैं और चार हाथ हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ वर्द मुद्रा में और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। वहीं बाईं ओर का एक हाथ में लोहे का काटा लिया हुआ है और एक में खड़ग लिए हुए हैं। माँ का वाहन गधा है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि, नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के समय माँ को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही नींबू से बना हुआ माला पहनाएं और फिर गुड़ या इससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद कपूर, घी का दीप आदि जलाकर मंत्र का जाप करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद विधिवत तरीके से कालरात्रि माँ की आरती कर लें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेणी संसिता, नमत्तत्सई 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 नमो नमः। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सातवां पूजा माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाती है, विधिवत तरीके से बताया। आगे मैं बताऊंगी अष्टमी पूजा, जी हाँ, माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है, वो भी मैं बताऊंगी। तो इंतज़ार कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये कालरात्रि वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।